इतिहास की एक फितरत होती है, वो विजेताओं की तरफ झुका हुआ होता है और इसी कारण ऐसी अनेकों कहानियां रह जाती है जो या तो अनेकों को पता नहीं होती या फिर उन्हें इस प्रकार से बताया जाता है कि विजेताओं की प्रतिष्ठा पर आंच न आए। पर धर्म हमेशा न्याय करता आया है, वो सही कर्मों के फल तो दुष्कर्मों की सजा देता आया है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महाभारत की एक ऐसी ही कहानी की, वर्णावत की कहानी और इसकी सच्चाई के बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी लोग जानते हैं कि सत्ता संघर्ष के कारण पांडवों को वर्णावत में जलाने की दुर्योधन की योजना थी, पर संपूर्ण कहानी जानबूझकर हमें बताई नहीं जाती। वर्णाव्रत में दुर्योधन के षड्यंत्र का कोई समर्थन नहीं कर सकता, हम भी नहीं। पर दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में विदुर ने म्लेच्छ भाषा में पांडवों को एक संदेश भेजा था जिसमें दुर्योधन के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया था और पांडवों को इस बारे में पहले ही सावधान कर दिया था। और सही मायनों में तभी दुर्योधन का षड्यंत्र विफल हो गया था। पर जिस वक्त दुर्योधन का षड्यंत्र समाप्त हो गया उसी वक्त युधिष्ठिर का षड्यंत्र शुरू हो गया। संदेश पढ़ने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को अपने पास बुला के इस बारे में बता दिया। उसने कहा कि वे पुरोचन को जिंदा जला देंगे और उसी वक्त वो अपनी जगह 6 और लोगों को जिंदा जला देंगे। आदि पर्व के 136वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। मौके की तलाश में युधिष्ठिर इंतजार करने लगा। इस बीच एक साल बीत गया। एक दिन राजमाता कुंती ने भोजन का आयोजन किया और आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया। एक निषाद औरत अपने 5 बच्चों के साथ वहां आ जाती है। गरीबी के कारण ये लोग कई दिनों से भूखे थे। युधिष्ठिर जिस मौके की तलाश साल भर से कर रहा था वो उसे मिल जाता है। राजमाता कुंती उन्हें बड़े ही आग्रह से भोजन के लिए बिठाती है, पर वो उनके भोजन में नशीली चीज मिला देती है। नशे के कारण सभी निषाद मूर्छित हो जाते हैं। तब हर पांडव एक निषाद को अपने कक्ष में सुला देता है, तो निषाद औरत को कुंती के कक्ष में सुला दिया जाता है। अब भीम लाक्षागृह को आग लगा देता है। पुरोचन सहित सभी निषाद इस आग में जिंदा जलकर मारे जाते हैं। पांडव विदुर को एक संदेश भेजते हैं, जिसके बाद विदुर ने अपने मंत्री से कहकर निषादों की लाशों को दबा दिया ताकि कोई पांडवों की सही से पहचान न कर सके। हस्तिनापुर की जनता की यही समझ होती है कि पांडव मारे गए और दुर्योधन ही अपने बंधु द्वेष के कारण इसका कारण होगा। इस कहानी के साथ अनेकों प्रश्न मन में उपस्थित हो जाते हैं। दुर्योधन के षड्यंत्र के बाद भी एक साल, जो काफी लंबा वक्त होता है, पांडव उसी लाक्षागृह में रहे। क्या इस वक्त में लाक्षागृह में रहकर पांडवों ने बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया था? क्या वे वहां से निकल नहीं सकते थे? और क्या मासूम निषादों की बलि देना जरूरी था, या फिर विदुर और पांडवों ने मिलकर खेला था एक राजनीतिक दांव? अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो लाक्षागृह की घटना ने हस्तिनापुर की जनता में दुर्योधन को एक खलनायक बना दिया था। सारी प्रजा उसे एक ऐसे भाई के रूप में देखने लगी थी जिसने अपने ही भाइयों को सत्ता के लिए जिंदा जला दिया था। इससे पहले दुर्योधन एक काफी लोकप्रिय राजकुमार था। एक अच्छे शासन के साथ भारत के कोनों कोनों में उसने अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया था। कोई भी राजा अपनी प्रजा की सहानुभूति के बिना राज नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लाक्षागृह में निषादों को जलाने का षड्यंत्र करने वाली राजमाता कुंती की मृत्यु कैसे हुई। ठीक उसी तरह जिस तरह निषाद श्री जलकर मरी थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद राजमाता कुंती की जंगल में लगी आग में जलकर मृत्यु हुई थी। जिस तरह निषाद युवक नींद में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी तरह पांडव पुत्र भी नींद में ही मारे गए। महाभारत हमें सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की माया में उलझाता है और यही महाभारत की विशेषता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।